तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। के चंद्रशेखर राव की बीआरएस पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई है। भाजपा सत्ता की लड़ाई में थी नहीं, लेकिन वो नतीजों से उत्साहित जरूर है। इसका एक कारण है हैदराबाद शहर की गोशा महल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह का प्रदर्शन। 17वें और अंतिम राउंड की गिनती में वो तकरीबन 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी उनकी जीत तय है। उनके मुकाबले दूसरे नंबर पर हैं भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नंद किशोर व्यास, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी मोगली सुनीता हैं। अब तक के रुझानों में कांग्रेस को 63 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि राज्य में बहुमत का आंकड़ा 60 का है। गोशा महल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ उत्तर भारत के इलाके से आए हिंदू प्रवासी बड़ी तादाद में रहते हैं। इनमें लोधी समुदाय प्रमुख है। इसके अलावा मारवाड़ी, मराठी लोग भी यहाँ पर अच्छी तादाद में हैं। कुल वोटर करीब 2,70,000 हैं। इसमें 70,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। टी राजा सिंह लोढ़ा समाज से आते हैं। गोशा महल सीट असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में आती है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहां से प्रत्याशी उतारा ही नहीं। टी राजा सिंह का कहना था कि ओवैसी ने इस सीट से दूरी बनाई ताकि मुस्लिम वोट बीआरएस को चला जाए। अब आपको बता देते हैं कि टी राजा सिंह हैं कौन। टी राजा सिंह जो हैं अक्सर विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। उनकी पैदाइश 15 अप्रैल 1977 की है। उनका राजनीतिक करियर तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP से शुरू हुआ था। साल 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले तक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में मंगलहाट के प्रतिनिधि रहे। साल 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा से पहले टी राजा बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी साल तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना में भी चुनाव हुए। गोशा महल विधानसभा सीट में बीजेपी के टिकट पर टी राजा सिंह ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मुकेश गौड़ को 46,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हराया। साल 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टी राजा सिंह ने बीजेपी के टिकट पर गोशा महल पर दोबारा चुनाव लड़ा। उन्होंने इस बार बीआरएस, जिसे तब TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था, उसके प्रेम सिंह राठौड़ नाम के कैंडिडेट को 17,000 से ज़्यादा वोटों से मात दी। इस चुनाव में टी राजा सिंह को 61,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीआरएस के प्रेम सिंह राठौड़ को करीब 44,000 वोट मिले हैं। साल 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर टी राजा सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया था, लेकिन 22 अक्टूबर 2023 को उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। टी राजा सिंह तेलंगाना में भाजपा के सचेतक भी रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली लर्निंग टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।